देखिए सूजी का कितना चटपटा नाश्ता तैयार है। ये सूजी का ऐसे अगर नाश्ता बनाएंगे तो बच्चे बेफर खाना भूल जाएंगे, कुरकुरे खाना भूल जाएंगे। एक बार ये आप लोग भी घर पे ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी और खास्ता बनता है, बच्चे भी इसे पसंद करते हैं। हे एवरीवन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं सूजी का एक मजेदार नाश्ता जो बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। मिलके बनाते हैं सूजी का चटपटा नाश्ता। के लिए हमें लेना है एक कप सूजी लिया है, इसको हम पीस लेंगे। देखिए हम नॉर्मली वाला ही सूजी लिए हैं जो अपने लोग यूज करते हैं, इसको अच्छे से पीस लिए हैं। अब इसको बॉल में निकाल देना है। एक चम्मच भर के मैदा, आधा चम्मच नमक, एक चम्मच घी, अब इसको हम गुनगुने पानी से आटा को सान लेंगे। सूजी पानी ज्यादा सोखता है, इसके लिए थोड़ा गीला करके ही हमको आटा को मिलाना है। देखिए थोड़ा गीला करके ही रखे हैं, 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। काला नमक आधा चम्मच, मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, अमचूर पाउडर आधा चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच, ब्लैक पेपर पाउडर बस एक चुटकी। अगर छोटे बच्चे हैं तो ये पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर नहीं डालिए, तीखा अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। चलिए अब अपना आटा भी तैयार है, हम उसका नमकीन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा हमें चाहिए बिल्कुल वैसा है। अब इसको हम बेल लेते हैं। आपको आटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही बेल जाती है। ये रोटी मोटा ही रखना है, ऐसे करके धीरे धीरे पलटा के हमें इसको बेल लेना है। इसको हम छुरी से, आप जिस शेप में काटना चाहो उस शेप में काट लें। चलिए हम एक प्लेट में इसको निकाल लेते हैं, बाकी सबको भी ऐसे ही बेल के काट लेते हैं। देखिए सारा बेल के कट कर लिया है, चलो अब इसको छानते हैं। चलिए ये अब अपना नमकीन मैंने कट कर लिया है और ये फ्राई के लिए तैयार है। अब इसमें तेल डालना है, देखिए तेल गरम हो गया है, खूब खौलाना नहीं है हमें तेल को।
मसाला मिलाना है, तो तेल रहेगा तो अच्छा ही है। हम जो मसाला मिलाए थे वो 2 चम्मच इसमें मसाला मिलाना है। और इसको अच्छे से मिला देना है। देखिए कितना चटपटा नाश्ता अपना तैयार है।